नया अपडेट आ चुका है। ये एक्सप्रेशन मैं तब दूंगा जब भी मेरे को पसंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, इसमें अपन देखेंगे, चीजें परखेंगे, उसमें अपने को बहुत सारी शक्तियां मिलने वाली। मैंने सुना है अपना हमशक्ल बना के हम किसी की भी चड्डी में घुस सकते हैं, और स्पाइडरमैन की वो जाली भी आ चुके हैं। हमारे टाइटन भाई तो बहुत खुश होंगे, बस एक शील्ड वगैरह वो दे देते तो अच्छा हो जाता है कि नहीं मालिक। खैर, उन लोगों ने जो तलवार दी है वो भी अपन एज अ शील्ड यूज कर सकते हैं। अब यहाँ के देखते हैं हम उनको यूज कर पाते हैं कि नहीं। चलो भाई। तो जय हिंद, आप देख सकते हैं कि हम फिर से एक बार आ चुके हैं स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का क्लिप लेके। तो कैसे आप लोग अच्छे? मैं बच्चा हूँ। आप इस बार आप जाने वाले इस नई वाली जगह पे। हाँ भाई, ये खतरनाक सी जगह है ऐसा मैंने सुना है, लेकिन ऐसा मैंने सिर्फ सुना था, आज देख भी लेंगे। अरे भाई, इन लोगों ने तो अच्छे खासे मैप की खैर छोड़ो। म्यूटेंट, और ये क्या है? अब यार ये गन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं मनुष्य, ये फिर से एक म्यूटेंट। क्या करूंगा भाई इसका? चलो भाई, सलवार में तलवार मिल चुके, और ये कपड़े, एक मिनट रुको जरा, इसको परसा दे दो मेरे को। अब यार भाई, मैं एक बात समझ नहीं पाता, मैं जितने भी क्रिएटर देखता हूँ उनमें से बहुत से लोग हैं, उनकी लॉबी में इतने घोंचू बंदे आते हैं भाई, उनको मारने में टपली मार दूंगा तो मर जाएगा वो, इतने नूक बंदे आते हैं। और मेरी लॉबी में क्या सोने की खाने लगी हुई है क्या, जिसको देखो वो रिफ्लेक्स दे दे के मारने लग जाता है। खैर, इसको बाद में देखता हूँ, अब बाद में देखना पड़ेगा, पॉट ही निकल चुके ना। चलो भाई, फर्स्ट एड मिल चुके हैं और लगता है घुसाना ही पड़ेगा। चलो भाई, तुम लोगों ने दरअसल मुझे, अरे ये बॉट का बच्चा, लाल बच्चे, चलो तुम्हें। अबे यार ये बच गया भाई, शिट, मेरे बॉट का किल चोरी होने की यहाँ पे आशंका बहुत है, जिसके वजह से मैं पहले बॉट को परसा दूंगा, उसके बाद में देखेंगे बाकी सब। और अब देखता हूँ इस घोंचू को, मेरे पास स्पाइडरमैन का, ये मकड़ी का जाले का, ये पता नहीं क्या होता है, ये आ चुका है। चलो भाई, अब भाई कहाँ पे छुपा है तू, दिख क्यों नहीं रहा? ये रहा। हाँ भाई, लेट्स गो, हम किधर लसन पीछे बैठ गए। चलो भाई, इसको मैंने परसा दे दिया है, और तुम्हें मैं बहुत ही खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे तुम एनिमी को मार मार के उसकी चमड़ी उधेड़ सकते हो, लेकिन वो चीज लास्ट में ही बताऊंगा, पहले मेरे को मेरे आगे वाले लोगों की चमड़ी उधेड़ने दो। अब भाई यार, इनको मारू तो मारू कैसे, एक तो ये ऊपर चले गए और बाहर आने की तो कोशिश भी नहीं करेंगे, इसकी मुझे फुल गारंटी है, ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन ये देखो। ओह शिट। अब यार भाई, ये बहुत खतरनाक तलवार है, तलवार में तलवार। मर गया भाई, मर गया, कुत्ते की मौत मरा हूँ मैं। खैर, वहाँ पे मर के मैं इस साइड आता हूँ, और यहाँ पे आते ही मुझे घोंचू लोगों के फुटेज जब आते हैं, जिनको कि मैं मारूंगा, बहुत जोर से मारूंगा, लेकिन भाई मैं इन लोगों को मारूं कैसे? जैसे इनके पास पास जाता हूँ, ये दूर दूर भागने लग जाते हैं, कहीं ये मेरे जीवन के कुछ खुशी के पल तो नहीं? और हाँ, मैंने 100 RP का ड्रेस पहन लिया है, इसके पीछे इसकी जो पूंछ लटक रही है वो बहुत ही खतरनाक है भाई, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, और वो कुछ भी नहीं है। खैर, अब भागना भगाना बहुत हुआ, अब इनको परसा देने की बारी है। चले चले बड़ा, पूरा फिनिश हो जा, ये बहुत देर से मुंह जोरा कर रहा था। और ये आगे वाली बिल्डिंग में भी एक बंदा है भाई, ये बंदा बहुत ही खतरनाक था भाई, कुछ खतरनाक वितरक नहीं था, मार मार के इसकी चमड़ी दे दूंगा, लेकिन पीछे से मुझे फुटिस्टे मारे, जिसके वजह से मुझे उसने रोक रखा है, तो लगता है पहले इसी को परसा देना पड़ेगा। अरे मेरे पाप। अबे पिंटिया, चलो भाई, पिंटिया को मैंने पूरा फिनिश कर दिया है, और मेरे पीछे भी एक घोंचू है, जिसका मुझे ध्यान, मॉली गॉड, रुक तेरे को बताता है, मॉली फेंकेगा नहीं। चलो भाई, यहाँ पे मिशन इम्पॉसिबल हो चुका है, मेरे टीममेट को मैंने बचा लिया, और अब यहाँ पे एक भी बंदा बचा नहीं था, तो मैं उठाता हूँ अपना मुंह और आता हूँ इस साइड, क्योंकि मेरी आंखें एक घोंचू है, जिसके ऊपर मैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इतिहास, भूगोल शास्त्र, सेक्सोलॉजी, ये सब कुछ अपना लेता हूँ, लेकिन फिर भी ये बंदा बच जाता है। अरे मेरे पाप। लेकिन भाई, डैमेज कुत्ते की मौत हुआ है, तो इसको चमगादड़ की मौत मारना ही पड़ेगा, और मैं बता रहा हूँ भाई, ये बहुत ही काम की चीज है, लेकिन जब तक हमारे पास है तब तक एनिमी के पास है, तो बहुत खतरे की चीज है। और इस गीदड़ जैसे बंदे को जैसे अपनी मौत दिखती है, ये शहर की तरफ भागता है। अबे शहरी जानवर। चलो भाई, इसको मैंने परसा दे दिया है, और अब मैं गर्व से कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक बंदा भी बचा हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 बंदे बचे हुए। तो अब तुम्हें बताता हूँ वो टिप। देखो, तुम्हारे सामने अगर 4-5 बंदे हैं जिनको तुम मारना चाहते हो, और तुम लोगों को सिर्फ 2,
तो करो एक काम, तुम्हारे सामने रखो एक टीममेट को, उसके पास दो तलवार और उसको चलाने को बोल दो, ताकि एनिमी की जो गोलियां है वो तुम्हें ना लगे, उसकी तलवार पे टचो और तुम पीछे से उस एनिमी का गेम बजा दो। यही एक खतरनाक सिटी पे, इसे यूज करके मैंने बहुत लोगों का करियर डाउन कर दिया, ये देखो। अब तुमको अगर भाई तेरे को तो डैमेज मिल गया, तो मेरे भाई ऐसा नहीं है, राइट के साइड भी एक घूंचू आ चुका है जिसने मुझे डैमेज दिया, उसको भी देखता हूँ, लेकिन थोड़ा सा रुको। चलो भाई तुम लोगों ने दरअसल मुझे केले को समझ गया था। चलो भाई आप भारत बता दीजिए बस। चलो भाई अपने 13 किल हो चुके हैं और अब यहाँ पे एक भी बंदा बचा नहीं था, तो मैं उठा तो अपनी गाड़ी और आता हूँ इस साइड। और भाई मुझे एक बात बताओ, मेरे सामने एक बंदा आया था, वो पता नहीं टीम अप करने की कोशिश कर रहा था या फिर पैनिक हो गया, मुझे उसके बारे में पता नहीं था, लेकिन अगर मैं उसके लिए रुकता तो क्या पता वो मेरी ही पीटी बना देता, जिसकी वजह से मैंने उसको पर्सा दे दिया, ये देखो। अब तुम मुझे एक कमेंट में बताओ कि क्या वो बंदा हमसे मिलने आया था या फिर उसकी फट चुकी थी जिसकी वजह से इधर उधर घूम रहा था। तब तक मैं उसको पीटता हूँ जो बहुत ज्यादा मुजोरा कर रहा है। चलो भाई इन लोगों ने दरअसल मुझे कोई बात नहीं, नीचे से चला जाऊंगा, उसमें क्या। ओह शिट, शर्म आनी चाहिए भाई इस बंदे को। उसको क्या शर्म आनी चाहिए, मेरे को शर्म आनी चाहिए, थोड़ा देख सवर के जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं, गबा गब घुस जाते हैं तो फिर ये घुसा देते हैं लोग। खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं दूसरी मैच लगाता हूँ और आता हूँ इसी साइड। क्या बात है भाई, ऊपर से ही गन दिख चुकी मुझे और ये रहे बंदे। आ भाई यार ये लोग मेरे को अच्छे से जीने नहीं देंगे लग रहा। खैर अभी मजाक का समय नहीं है, बंदे लोग घुस चुके हैं, तो देता हूँ प्रसाद। और भाई मुझे लगता है मैंने पिछली मैच में जो ट्रिक बताई थी उसका वीडियो इन लोगों ने बनाने से पहले ही देख लिया। भाई और भाई बच गया, अगर यहाँ पे ये मर जाता ना तो मम्मी कसम बोल रहा हूँ इस बंदे की मजा आ जाता। लेकिन अब क्या है, अभी कायरों की तरह भागना पड़ेगा। और नीचे की तरफ भाई घमासान जानवर की तरह युद्ध चल रहा है, मुझे भी कुछ ना कुछ यहाँ पे उखाड़ना ही पड़ेगा। Now you fuck up. भाई मैंने ततड़े ततड़े से एक बंदे को नॉकआउट तो कर दिया, लेकिन ज्यादा देर तक इसको नहीं चला पाऊंगा। चलो भाई M4 मिल चुके, लेकिन ये घोंचू का भी दिख नहीं रहा मेरे को, कहाँ चला गया भाई, ये आसपास ही तो था ये। चलो भाई मेरे को किल मिल चुका है, लेकिन तभी आता यहाँ पे एक और बंदा जो कि बहुत खतरनाक था। भाई इस बंदे को मैंने M4 का हेड मारा, एक दो बॉडी भी मारे, फिर भी इसने मेरे को इतना डैमेज कर दिया, जिसका रीजन शायद मेरे पास वेस्ट नहीं था इसलिए। लेकिन भाई अब ये खतरनाक बंदा बाकी था, उसको मारू तो मारू कैसे, और ऊपर से दूर से भी कोई भौंक रहा था, ये देखो। अब यार मर गया भाई, मर गया, बच गया, लेकिन बच के क्या करूंगा, मेरे पास फर्स्ट एड नहीं है और उस घोंचू को ये बात पता थी, जिसके वजह से वो मेरे पे अंधाधुंध रश करता है। शिट, खत्म हो गया मैटर। और यहाँ का मामला बहुत ही जटिल है, जटिल बिटिल कुछ नहीं, मेरे सामने 3-4 बंदे जिनमें से एक के पास डिब्बे से और दो दो तो नल्ले है कुछ नहीं उनके पास,
मतलब कि है लेकिन इतना खतरनाक नहीं है। खतरा मुझे सिर्फ डीबीएस वाले से ही था और हम यहाँ पे बैठे हुए ये उनको पता था, जिसके वजह से वो घपाघप स्मोक करके हमारे पास आने की कोशिश करेंगे। ये तो मुझे 30 साल पहले पता चल चुका था, जिसके वजह से मैं यहाँ पे मगरमच्छ की तरह घात लगा के बैठ जाता हूँ और जैसे ही कोई क्रॉस करेगा मार मार के उसका टकला फोड़ दूंगा। चल भाई स्मोक हो चुका है, अब बंदे आते ही होंगे। तुम लोगों ने दरअसल मुझे गेल चोर समझ लिया था, चैट तुम भी। और बस भाई बस, अब इनका खेल खत्म हो चुका है, इनको कोई भी नहीं बचा सकता क्योंकि दो बंदे नॉकआउट हो चुके हैं, एक बंदा बचा हुआ है जिसकी पहले से हाथ भर फट चुकी होगी और वो होती भी है। लेकिन ये देखो, खैर कोई बात नहीं यार, अपना टीममेट है अपने को कवर दे रहा था जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। और भाई लास्ट वाली जो फाइट है वो बहुत ही जहरीली है, लेकिन इस मैच में लास्ट में कोई फाइट ही नहीं है, उसमें तो मैं ओम चलाने वाला हूँ जो कि मुझसे चलती नहीं। तो कुल मिला के बात ये है कि यही है। खैर अभी इनको मारने के बाद मैं अपनी गाड़ी उठाता हूँ और आता हूँ इस साइड। और अब बदला लेने की बारी आ चुकी थी मेरी ने उसकी, जिसको मैंने ताशा से मारा था। ये रहा, अरे M4 मारू की DPS मारू की क्या मारू इसको, लग गए लसन। वो तो अच्छा हुआ मेरे टीममेट के टायर की चपेट में आ गया हो, वरना ऐसी चपेट मारता है मेरे को सीधा लॉबी भेज देता। खैर अब यहाँ पे मामला खत्म करके मैं जोन में जाने ही वाला था, लेकिन तभी ये देखो मुझे एक सस्पिशियस घूंचू उस घर के अंदर दिखता है, तो मैं अपनी गाड़ी मोड़ देता हूँ। अब मैंने अपने टीममेट से कहा कि भाई यहाँ पे एक बंदा है, तो उसको भरोसा ही नहीं हो रहा, उसको लग रहा है मैं नाटक कर रहा हूँ। अबे भाई मैं क्यों नाटक करूंगा भाई, मैं क्या वो उसका आदमी हूँ क्या, क्या कहते हैं उसको, मोहिनी थिएटर। खैर दो चार डोरेमोन के चटपटे गोटे फेंकने के बाद उस बंदे को अपनी लोकेशन देनी ही पड़ती है और मैं उसके हर छेद में ग्रेनेड डालता गया, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने कहा, अरे अपने पास तो स्पाइडरमैन का लेसन भी है, क्यों ना इसको यूज करके ऊपर चढ़ा जाए। लेकिन तभी ये देखो क्या होता है, ओह शिट, अबे छोड़ दे भाई, गलती की माफ कर दू, बच गया भाई। मुझे लगा मैं उस दीवार के पास में जाऊंगा, लेकिन ये तो सीधा अंदर ही घुसा दिया मेरे को, गलती से वो अपने विंडो पे कर दिया था। अच्छा खैर अभी बातों अपने 9 किलो चुके थे और बंदे बहुत ही कम बचे थे, तो मैं उठाता अपनी गाड़ी और आता हूँ इस साइड। और यहाँ पे आने के बाद हमें कुछ घोंचू लोग दिखे थे लेकिन अब नहीं दिख रहे, तो मेरी हवस भरी आंखें उन्हीं को देख रही थी और तभी वो दिखते भी गिर रही। अब पहले जब मैंने इन लोगों को देखा तो मैंने कहा ठीक है भाई, इनके पास गाड़ियां वगैरह है, ठीक ठाक ही खेलते होंगे, मतलब नू भी होंगे कि नहीं, हमारे चंदू भाई के पास भी सब गाड़ियां है, लेकिन गेम प्ले तुम लोगों ने दरअसल मुझे गेल। खैर फिर भी मेरे को लग रहा था चंदू भाई से इनका अच्छा ही होगा, लेकिन इनका चंदू भाई से 10 गुना अच्छा था और मुझसे 20 गुना। मेरा प्लान था यहाँ पे डोरेमोन का चटपटा गोटा फेंकने का, लेकिन वो प्लान धरा का धरा रह गया क्योंकि उसको पता चल चुका था भाई मैं यहाँ पे हूँ और वो मुझ पे ही मौली फेंकता है। हाँ भाई घूचू रुक, तेरे को पता था, लेकिन बताओ कैसे भाई यहाँ पे जोन पे आ चुका है ना, तो मैंने कहा क्या मैं गाड़ी उठा के जोन में जा सकता हूँ, जिसका आंसर था नहीं। तो लगता है परसाद देख के ही जोन में जाना पड़ेगा। इन लोगों ने मुझे जरा सा डैमेज क्या दे दिया, ये लोग मेरे को गेलचोर समझ रहे थे। चले भाग रहे तो घूसो, भागने की कोशिश नाकाम है। और दूसरा बहुत मुजोरा कर रहा था, किधर है भाई तू, और तू भी ले। चल भाई इसको मैंने पर्सा दे दिया है, अब यहाँ पे इनको मारने के बाद मैं लूटता हूँ, थोड़ी सी हीलिंग वगैरह करता हूँ, लेकिन तभी मुझे पहाड़ी के ऊपर एक घोंचू दिखता है, तो लगता है इसको भी पर्सा चाहिए। अरे इसको बहुत डैमेज दिया भाई, सीधा घुसाना ही पड़ेगा। चलो लेकिन ये चलता फिरता ताबूत लेके घूम रहे हम, अगर उसने थोड़ी सी गोलियां मारी तो हमारी लसन लगना तय है। और जब तक मैं यहाँ पे आता हूँ तब तक एक बंदा मेरे उस बंदे को मार देता है, मतलब मेरी जिस पे नजर थी उसको कोई और ही मार दिया, जो कि मुझे दिख चुका है। हाँ भाई हम के इधर घोंचू घुचाने बैठे क्या, चलो भाई इसको मैंने परसाद दे दिया है। तो अब यहाँ पे समझो सिचुएशन, हमारे हो चुके यहाँ पे 12 किल,
हाँ सिर्फ 12 किलो है, आई एम सॉरी। और बंदे बच्चे 3, जिनमें से हमें 2 और एनिमी लोग 1, जो कि एग्जैक्ट मेरे सामने ही था, और वो कुछ ज्यादा ही शेरलॉक वाला दिमाग लगा रहा था। तो मैं अपने टीममेट से ले लेता हूँ AWM और इस मैच को खत्म करने की बारी आ चुकी है। तो चलो बेटा बोलो भारत माता की जय। बस चलो भाई, इस नए वाले अपडेट का अपना पहला चिकन डिनर हो चुका है। और ये पहला चिकन डिनर नहीं, इसके पहले मैं बहुत बार मर चुका हूँ, उसके बाद में ये बना। लेकिन अगर बात करी जाए इस वाले अपडेट की, तो आप इसलिए भाई वो बर्फीले मोड़ से अच्छा है, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा है। इसमें 3-3 जगह दी हुए, तुमको जहाँ जाना है जाओ, 2-3 रिकॉल है, तुम बार बार मर के वापस आ सकते हो, जिससे शायद लॉन्ग लास्टिंग ज्यादा बंदे बचेंगे और हमें ज्यादा किल करने को मिलेंगे। खैर जो भी होगा वो तो आगे पता चली जाएगा, लेकिन मैं इस अपडेट को दूंगा 10 में से 6.5, जो कि कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। और आज की मजदूरी करते एपिक खत्म। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय।